आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जो एंटोनियम्स हैं उसकी दो सीरीज़ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं एंटोनियम्स का पार्ट 3 लेके आ रही हूँ। इसके साथ साथ मैं फोबियाज भी करवा चुकी हूँ। तो जो ए अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट, सी, डी, ई, जी, इन अल्फ़ाबेट्स के फोबियाज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मुझसे ना कमेंट में पूछ रहे थे कि केवी कोई अपडेट नहीं आएगा, केवी की कोई नई न्यूज़ नहीं आई है क्या, केवीएस का कुछ पता लगा है क्या। तो मैं आपको बता देती हूँ, केवीएस की अभी एज सच कोई न्यू अपडेट नहीं आई है पीआरटी पोस्ट के लिए। अभी जो है वो लाइब्रेरी पोस्ट के लिए अपडेट आई थी, जिसमें लाइब्रेरी पोस्ट के लिए जो भी इंटरव्यू लेटर आया था उसके बारे में न्यूज़ थी। तो वो एज सच कोई ज़रूरी नहीं थी हमारे लिए। पीआरटी अभी टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी फ़िलहाल में कोई न्यू अपडेट अभी तक तो आई नहीं है। और अगर बाय चांस ये वीडियो पोस्ट करते करते मुझे इनकेस लेट हो गया, एक दो दिन का ऊपर नीचे हो गया, तब तक आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बट अभी फ़िलहाल आज जो है वो हमारी डेट है 28, तो 28 तक जो है वो कोई भी अपडेट नहीं आई है फ़िलहाल, कुछ न्यू नहीं आया है केवीएस पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एंटोनियम्स आपको हर पेपर में दिखेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो है कुछ एंटोनियम्स आपको करवा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई करवा देता है तो ईजी हो जाता है। तो मैं ये स्लाइड एंटोनियम्स की करवाऊँगी, और जो बाकी दोनों वीडियो होंगे एंटोनियम्स का उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और जो फोबियाज़ मैंने करवाए हुए हैं वो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो वो वीडियोज़ भी आपको जब जैसे आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे आपको दिख जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये स्लाइड भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला है हमारा, स्टार्ट करते हैं। एंटोनियम्स आप जानते हैं कि हर पेपर में आता है, चाहे वो कोई भी केवी का हो, डीटीपीसी का हो, एनडीसी का हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और शांति से हम कर लेते हैं। देखो, कैलोरियस मतलब होता है कठोर, ठीक है। मैंने इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी इंक्लूड किया है, और साथ साथ मैंने इसका मतलब भी बताया। तो इससे आपका ना तीन चीज़ हो रही है, एक तो आपका हिंदी पता लग रहा है, उसका अपोजिट इंग्लिश पता लग रहा है, और साथ साथ उसका सिमिलर भी पता लग रहा है। क्योंकि जो ये इंग्लिश में लिखा है ना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सिमिलर वर्ड है इसका। तो सिनोनियम्स भी हो रहा है, एंटोनियम्स भी हो रहा है, वोकैबुलरी भी हो रही है, इससे अच्छा और क्या ही होगा। देखो कैलो, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कैलियस। कैलियस मतलब होता है कठोर, मतलब जो इनसेंसिटिव, क्रूअल पर्सन होता है। तो उसका अपोजिट क्या होगा? सेंसिटिव। तो इनसेंसिटिव मतलब जो कठोर होते हैं, तो उसका अपोजिट सेंसिटिव। उसको कहते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होते हैं जो कहते हैं ना, ये बहुत प्रोफेशनल टीचर है, ये बहुत प्रोफेशनल, जो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर। तो उसका अपोजिट होता है शौकिया, मतलब अमेच्योर, ठीक है। अगर मैं कोई स्पेलिंग गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे। क्योंकि कहीं कहीं ना स्पेलिंग्स का फ़र्क पड़ता है, कोई कोई सैटरडे बोलता है, कोई सैचरडे बोलता है, तो इट्स चेंज, ठीक है। अब आता है एडमेंट। एडमेंट मतलब होता है बेसिकली अटल। तो अटल का अपोजिट होता है यील्डिंग। अटल मतलब होता है ना कि यार मैं नहीं झुकूंगा, मेरी गलती नहीं थी, उसका उल्टा झुकने वाला इंसान, यील्डिंग। एविडेंट मतलब होता है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से आपको पता लगा, कोई क्लियर चीज़, तो उसका उल्टा डाउटफुल। फिर होता है आपका पैरिलियस। पैरिलियस मतलब खतरनाक, जैसे पॉइजनस होता है ना ऐसे, तो उसका उल्टा खतरनाक मतलब डेंजरस, तो उसका उल्टा सेफ। फिर आता है एम्पेड, मतलब अवरोध करना, किसी भी चीज़ को आपको हिंडर करना, ठीक है। हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, फॉर एग्जांपल कोई इंसान जा रहा है, आपने उसको टोक दिया, तो वो होता है, ठीक है। उसका उल्टा होता है एडवांस, मतलब आगे बढ़ाना, कोई इंसान जा रहा है, आपने उसको टोका नहीं, आगे बढ़ने दिया, एडवांस। फिर होता है हमारा, ये तो दोबारा से अच्छा, इसका अब दूसरा है, मैं ये कैलियस देख रही थी। अच्छा, तो इससे पहले हमारा है ये, आप नंबरिंग में जाइएगा, मैं स्लाइड्स में से, ये बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। ये कहीं से मैंने हवाबाजी में लेके नहीं आई हूँ। आप पेपर जब सॉल्व करेंगे ना, स्पेशली जो टीचिंग के पेपर है ना, वो आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अब आता है हमारा डिसील, मतलब मेला कुचेलना, वॉट, देखो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अनटीडी मतलब डिसऑर्डर्ड, तो इसका मतलब होता है जो सिस्टमेटिक वे में नहीं होता, तो अनटीडी, इसका अपोजिट टीडी, मतलब स्वच्छ, बिल्कुल क्लीन, क्लियर, टाइडी। कैलस, कैलस का एक अपोजिट होता है सेंसिटिव। कैलस का मतलब होता है
इनसेंसिटिव, ठीक है। तो उसका अपोजिट होता है हमारा सेंसिटिव, और होता है हमारा सिंपैथेटिक, ठीक है, सहानुभूति वाला। एक होता है ब्रिटल मतलब नाजुक, तो उसका अपोजिट स्ट्रांग। एक होता है बिट्रेल मतलब किसी को पीछे से कुछ बोलना, उल्टा सीधा बोलना, तो उसका लॉयल्टी दिखाना। फिर होता है प्रोमिनियंट, प्रोमिनियंट मतलब होता है फेमस चीज, कोई इंपॉर्टेंट, तो उसका उल्टा अनइम्पॉर्टेंट या फिर अननोन। ओके, इसके बाद आता है हमारा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब होता है मुक्त करना। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि एग्ज़ाम्स में एग्जेम्पशन मिल गई हमें, मतलब क्या है कि एग्ज़ाम्स में हमें 2-3 दिन का आगे पीछे मिल गया, छुट्टी मिल गई, ब्रेक मिल गया, हम एग्ज़ाम बाद में दे सकते हैं, तो वो होता है हमारा एग्जेम्पशन। जैसे किसी बच्चे को अगर बुखार नहीं, एक्चुअली अभी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और कितने बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, कितने बच्चों की कुछ भी दिक्कत आ जाती है, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो उनको एग्जेम्पशन मिल जाता है, मतलब वो दूसरे सेमेस्टर में फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसका अपोजिट इंक्लूजन मतलब समावेशन करना। टीचिंग में तो आपने इंक्लूजन पढ़ा ही होगा। अब आता है हम्बल। हम्बल मतलब नम्र। नम्र तो नम्र का उल्टा होता है हमारा हॉटी, ठीक है। नम्र का उल्टा मतलब हॉटी, अभिमानी। फिर होता है अबैंडन। अबैंडन मतलब छोड़ देना। अबैंडन ना मैंने बहुत देखा है, तो ये थोड़ा ज़रूरी सा लगता है मुझे। उसका अपोजिट होता है रिटेन मतलब रोक देना, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज जो है वो इतना ही करेंगे। हमने जो है वो पूरी स्लाइड जो है वो कर ली है, 405 से लेकर 4018 तक जो है, 405 से लेके 4018 तक हमने कर लिया है। तो ये क्या करना है, अब आपको ये स्लाइड जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो आपको टेलीग्राम पे लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक होगा उसको आप क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको ये पूरी स्लाइड जो है मिल जाएगी। साथ ही साथ इससे पहले भी जो मैंने एंटोनियम सिनोनियम्स की स्लाइड करवाई होंगी वो भी मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो देखनी है, एक बार सुनना है शांति से, उसके बाद ये स्लाइड्स में गो थ्रू करते जाना है, ठीक है। मैं कम कम ही करवा रही हूँ ताकि माइंड में रहे, क्योंकि अगर हम 5 भी कर रहे हैं ना दिन का, तो उसमें से 3 तो हमारे माइंड में रहे एटलीस्ट। तो इसलिए आज का यही है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और बात करेंगे। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।